जश्यो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मा हवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किं नो राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः स्वसुरः पौत्राः शालः संबंधिंस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नो मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्या जनार्दन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी।